मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मुमरा कौसा के मदरसा जामिया कासिमुल उलूम में एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग का मकसद था कि देश में जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर लोग आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसे रोकना बेहद ही ज़रूरी है। जमीयत उलमा हिंद के ठाणे जिला सदर मुफ्ती मोहम्मद उजेफा कासमी ने बताया कि जमीयत के तरफ से देश भर में सद्भावना कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि भाईचारा कायम रहे और फिरका परस्ती को ख़त्म किया जा सके। साथ ही लड़कियां जिस तरह से प्यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में आके अपने घर से बाहर निकल जाती हैं और इस दौरान ऐसी कई वारदातें सामने आती हैं जो रेप जैसी जघन्य वारदात लड़कियों के साथ में होती है, तो इस ताल्लुक से भी लड़कियों को इस्लाम के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि ये लड़कियां सही रास्तों पर चल सकें और जमीयत उलमा इन्हें सीख देने का काम करेगी। इस मीटिंग में जमीयत उलमा हिंद के ठाणे सदर मुफ्ती मोहम्मद उजेफा कासमी, ठाणे जिला सेक्रेटरी मौलाना यूसुफ जमाल कासमी, मौलाना मुस्तकीम खान कासमी, मौलाना मोहम्मद अली कासमी, मौलाना अयूब आजमी, मौलाना जमीलुर रहमान कासमी और हाफिज करम हुसैन, मौलाना सैफुल्ला और तमाम हजरत मौजूद थे। इस दौरान मुफ्ती उजेफा कासमी और मौलाना यूसुफ जमाल कासमी ने सद्भावना कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद उजेफा कासमी जमीयत उलमा हिंद का महाराष्ट्र में ज़िला थाने का मैं सदर हूँ। आज यहाँ पर एक तमाम जी, हमारे सदर मोहतरम मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब ने हमको ये आर्डर दिया है तमाम ज़िले यूनिटों को कि आप अपने यहाँ हर हर ज़िला अपनी यूनिट की एक मीटिंग ले जिसके अंदर सद्भावना प्रोग्राम के सिलसिले में मशवरा करो और छोटी जगहों पर छोटा और जो बड़ी आबादी है थाना शहर है आपका मुमरा है मीरा रोड है भिवंडी है जो मुसलमानों की बड़ी आबादी के शहर हैं यहाँ बड़े प्रोग्राम किए जाएं और समाज में जो लोग सेकुलर मिजाज रखने वाले हैं हिंदू भाई हैं दीगर मजाहिब के लोग हैं उनको भी इज्जत के साथ अपने बराबर बैठाल करके और हम मुल्क में बढ़ने वाली फ़िरका परस्ती को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत अमन अमान कैसे कायम हो सकता है, इस सिलसिले में सद्भावना प्रोग्राम करना है। ये हमारी उसकी मीटिंग थी। ये तो आज की हमारी यहाँ मीटिंग हो गई। ये हर ज़िले वाला अपनी सहूलत से मीटिंग लेगा। हमारे सेंटर में दिल्ली के अंदर मौलाना महमूद साहब पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं दिल्ली वाले प्रोग्राम कर चुके हैं और उन्होंने इस मुहिम को छेड़ दिया है। अब वो मुहिम वहाँ से सूबे में और सूबे से ज़िले में और ज़िले से उनकी यूनिटों के अंदर ये तहरीक चल रही है। कोई एक डेट पकड़ के आज मीटिंग नहीं रखी गई है बल्कि हमने अपनी सहूलत से मीटिंग रखी है। मौलाना साहब, जिस तरह से पूरे देश का माहौल एक तरफ से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उल्टे सीधे बयान आ जाते हैं उसके बाद फिर देश में कहीं ना कहीं अलग माहौल बन जाता है, हिंदू मुस्लिम के जो है बात छिड़ जाती है, तो आप इस प्रोग्राम को लेकर किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे और क्या किस तरह से उन्हें समझाने का काम करेंगे? देखिए, हमारा टारगेट तो समाज के अच्छे लोग हैं जो देश से प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, प्रेम पर, मोहब्बत पर, भाईचारगी पर यकीन रखते हैं। हम उनको साथ में लेकर प्रोग्राम करना चाहते हैं। जो लोग नफ़रत भड़का रहे हैं, नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर जाकर मेहनत करना अपना वक्त ज़ाया करना है, उनको उनके हाल पे छोड़िए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे उनकी क्या बात है वो अहले सियासत जाने। हमको गंदगी का रोना नहीं रोना है, अंधेरे का शिकवा नहीं करना है, चिराग जलाना है। तो तंजीम अच्छे लोगों को लेकर प्यार मोहब्बत की बात कर रही है, सब अच्छे हो जाए हमें इनकार नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छाई पर यकीन रखते हैं, प्यार मोहब्बत पर, एकता पर, देश मजबूत रहे, लोग पुरअमन रहें, बच्चों की तालीम हो, कारोबारी आदमी को कारोबार करने को मिले, बहू बेटी की इज्जत महफूज रहे, इन चीज़ों पर जो यकीन रखते हैं हम उनको साथ में लेकर प्रोग्राम कर रहे हैं और समाज में फैली हुई तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए हम लोग इंशाल्लाह इस्लाह मुआशरा के नाम से प्रोग्राम करेंगे। वो बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हों, बलात्कार हो रहा हो, बच्चियाँ गैरों के साथ जा रही हों, नौजवानों के अंदर नशा फैल रहा हो, जितनी बुराइयाँ हैं घर में काम न करना, मर्दों का औरतों को आके मारना, झगड़े करना, झगड़े के बाद तलाक होना, उन तमाम चीज़ों से रोकने के लिए हम समाज को जमा करेंगे।
लेडीज़ का प्रोग्राम लेडीज़ में करेंगे, जेंट्स का जेंट्स में करेंगे। ये हमारे बड़ों का पैगाम है, उसको हमको फॉलो करना है। इस मीटिंग का मकसद मुल्क के जो फ़िरका वाराना हालात दिन ब दिन बदलते और बिगड़ते जा रहे हैं, सालों से हिंदू मुस्लिम बात पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हालात को मसमूम बनाने की वजह से ऐसा हो गया है कि हर आदमी अपने तौर पर अपने मकाम पर रहने में अपनी ज़ात से अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है। तो ये हमारी अपनी जो ये तंजीम है, और एक बात ये बड़ी इस मुल्क की बड़ी ख़ूबी ये है कि इस मुल्क का अक्सरियती मजमा वो इस तरह के मुनाफरत के माहौल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। सदियों सालों से पड़ोस पड़ोस में बगल बगल में रह रहे हैं, गर्मी गमी में खुशी में हर एक मौके में शरीक होते हैं। तो हम ये इस प्रोग्राम के ज़रिए ये चाहते हैं कि जो हमारी पिछली पुरानी जो हमारी अपनी परंपरा है, हमारे जो पुराने रवाबित है, हमारे जो आपस के दूसरे के पड़ोसियों के साथ सलूक है, और एक दूसरे को लेकर चलने की जो हमारी पुरानी एक रिवायत रही है, और आज किसी वजह से चंद लोगों की वजह से ये रिवायत ख़त्म करने के रुख पर नंदी के मुल्क को डाला जा रहा है गैर महसूस तरीके से, और हर समाज के लोग जो है नादानिश्ता तौर पर उनकी बातों में आकर के उस रो में चले जा रहे हैं। तो इस तंजीम का ये रोज़े अव्वल से इस तंजीम की का जो निशाना है और टारगेट जमीतुल्लमा का वो यही रहा है कि हमारे अपने ज़रिए इस जमात के ज़रिए इंसानियत की खिदमत, इंसानियत के हर दुख दर्द में उनका साथ देना, चाहे वो उनके यानी किसी लाइन के मसाइल हों, उनके हमसे जितना मुमकिन हो सकता है हम उनकी यानी कि हर लिहाज से मदद करेंगे, ताउन करेंगे। और ये सद्भावना मंच इस वक्त की ज़रूरत इसलिए है कि जो यानी कि आपस के एक बरसों से ताल्लुकात की यानी कि मुस्तहकम मजबूत होने के बावजूद भी आज लोग दूसरों के मशकूक नज़र से देख रहे हैं, नफ़रत से देख रहे हैं। और मैं तो कल कह रहा था, कल हमारी मस्जिद में ये बात कह रहा था कि एक वक्त था कि अपनी मस्जिद के सामने मगरिब के बाद बहुत से लोग जो है औरतें बच्चों को लेकर गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम, चूँकि हमारा इलाका जो है बड़ी अक्सरियती साउथ इंडियन वालों का इलाका है, तो वहाँ पर दुआ कराने के लिए खड़े रहते थे। तो सिर्फ एक औरत कल असल में आई, उसने पानी का गिलास लेके बोला कि ये क्या हो रहा है। तो ये इस माहौल के बिगड़ते हालात के पेश नज़र इस तरह का माहौल हो गया कि अब वो मस्जिद के अंदर क्या आते मस्जिद के दरवाजे तक भी आना पसंद नहीं कर रहे। तो हम इस मंच के ज़रिए यही चाहते हैं कि हमारी अपनी जहाँ पर हमारा जहाँ हमारी यूनिटें कायम हैं, और अब यूनिट तो माशाल्लाह हमारी पूरे मुल्क के अंदर हैं, इस तहरीक की बुनियाद पर पूरे मुल्क में इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अकाबरीन की इस तंजीम और इस तहरीक की बुनियाद पर, इस तंजीम के परतम चले इस तहरीक की बुनियाद पर पूरे मुल्क का माहौल इंशाल्लाह अमन शांति का होगा, और जो हमारी पुरानी जो रिवायात हैं आपस में भाईचारा की यकजहती की इंशाल्लाह फिर से कायम होगा। इस्लाम माशरे के ताल्लुक से, नशे के ताल्लुक से हजरत ने बताया, तो ये मुमरा यूनिट कब से शुरू करेगी? मुमरा यूनिट असल में ये तहरीक तो शुरू है, ये काम तो शुरू है, और हमारे यहाँ इस तरह के सामाजिक जो बुराइयाँ हैं इसको दूर करने के लिए इस्लाह मुआशरा के नाम से हमारे अपनी इस तंजीम का रोज़े अव्वल से एक दस्तूर है, यानी एक हमारा ये हमारे काम का एक ये भी हिस्सा है। और सालाना इस्लाह मुआशरा के नाम पर हमारी ये तंजीम पूरे मुल्क में इस्लाह मुआशरा के नाम पर प्रोग्राम करती है, और तकरीब ये समझिए कि अशरा माना जाता है इस्लाह मुआशरा का। तो उसमें जितने भी समाजी बिगाड़ है, चाहे दाखिली हो या खारिजी हो, यानी किसी कस्म का हो, उसके सिलसिले में हमारे उलमा हमारे बड़ों की तरफ से हमारे मजमे को उसकी हिदायत दी जाती है। और इन दिनों ये क्राइम ये गुनाह कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, नशे की लत हो गई या गैर मुस्लिमों के साथ में बच्चियों के रिश्ते यानी कि रिश्तेबाजी और ये कहते हैं कि उनको भागने का जो माहौल हो रहा है, इन दिनों थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। इंशाल्लाह इस इस्लाह मुआशरा के ज़रिए जैसे कि पहले से सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है, मज़ीद उसको और मुस्तहकम करेंगे, मजबूत करेंगे, और इसमें हम बड़े प्रोग्राम के साथ साथ मसाजिद के छोटे छोटे प्रोग्राम के ज़रिए भी मर्दों और औरतों के ज़रिए भी इंशाल्लाह करते आए हैं, इंशाल्लाह उसको और मुस्तहकम करेंगे ताकि समाजी बुराइयाँ ख़त्म हों। नहीं, ठंडे बस्ते में जाने की बात ऐसी है कि जो लोग उस मुहिम में शरीक हैं उन पर तो कोई प्रेशर तो है नहीं। भाई आप जिस नेक अच्छे काम को आप कर रहे हैं आप उसको जारी रखिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर नशा अगर आप नहीं करेंगे तो आपको डंडा मारेगा। और ये फिर उसके साथ साथ पर्सनल जो फ़र्द उस गुनाह में मुलव्विस है उसके उस मोहल्ले के जो बासर लोग हैं, जो समाज के ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हों,
उसमें किसी तबके की बात नहीं है, सामाजिक बुराई है, और सामाजिक बुराई का नुकसान हर एक को होना है, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, उसमें हर एक समाज के लोगों को उसका नुकसान होना है। तो ठीक है, सर्द बस्ते में जाए तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है, उसका करने वालों पर दरमदार है उसका। और इंशाल्लाह ये तहरीक, ये जो हमारा इस्लामी माशरा का जो उनवान है सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने की जो बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तंजीम के असासी चीज़ों बुनियादी चीज़ों में से है, और हमारे बड़ों की तरफ से रोज़े अव्वल से इस उनवान से काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और चूँकि हालात इस वक्त, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि हालात इस वक्त चूँकि ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो मज़ीद उसको और अच्छे ढंग से करेंगे और सर्द नहीं पड़ने देंगे इंशाल्लाह। और ऐसे ज़िम्मेदार किस्म के अब समाज और माशरे के इंशाल्लाह हम उनको इस काम के लिए अपने साथ शरीक भी करेंगे, ताकि बाहमी ताउन से इंशाल्लाह ये कारवां आगे तक चलता रहे।